हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस्पवर। गाइस, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड और कुछ क्वेश्चनों को डील करेंगे और आज हमारा ये इसमें लास्ट लेक्चर होने वाला है गाइस। ठीक है गाइस, यदि आपको कोई भी डाउट होगा इन लेक्चर्स को देखकर, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो गाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स बता सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है गाइस। ए द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। उसने कहा आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो आप कितने तरीके से 2 डिफरेंट वॉवल्स को और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट से फॉर्म बनानी है। तो अल्फाबेट से फॉर्म बनाने के लिए मुझे बताओ, सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्म क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, द इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में उसने बताया कि 5 तो आपके पास है वॉवल्स। कितने वॉवल्स है गाइस आपके पास? वॉवल्स बताए उसने मुझे 5। कॉन्सोनेंट बताए उसने मुझे 21। वैसे भी यही होते हैं सिंपल से, ठीक है ना। अब उसने कहा कि 5 वॉवल्स में से मुझे 2 वॉवल्स को डिफरेंट वॉवल्स को लेना है एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करना है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, इट मीन्स कि भाई आपको जो अल्फ़ाबेट में से फॉर्म बनानी होगी वो 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करके बनानी होगी गाइस। कैसे बनानी होगी? सेलेक्ट करके। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट आ गया है। जब सिलेक्शन पॉइंट आ गया था, मुझे बताइए कि 2 वॉवल्स जो मुझे चाहिए गाइस वो कैसे चाहिए, आउट ऑफ 5 वॉवल्स में से। कितने में चाहिए गाइस? 5 वॉवल्स में से। कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज गाइस, कितने तरीके से अरेंज करेंगे आप इसे बताइए गाइस। तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं 5C2 वेज में, ठीक है। इसी टाइप से आप मुझे बताइए कि 2 आउट ऑफ कॉन्सोनेंट में चाहिए कितने, 21, 20 कॉन्सोनेंट चाहिए गाइज आपको। कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज गाइज, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप इसे, आप अरेंज कर सकते 21C2 वेज, ठीक है गाइज। अब गाइज वर्क क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि वर्क हमें तो अरेंज ही करने दें, दो कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स, क्योंकि ये वॉवल्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो 2 वॉवल्स यूज़ करने थे, 2 कॉन्सोनेंट यूज़ करने थे, वर्क कंटिन्यू। तो टोटल वेज कितने हो गए गाइज आपके पास, टोटल वेज हो गए गाइज 5C2 into 21C2 वेज, ये इसके टोटल वेज हो गए। दैट सॉल्व गाइज। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन की। ओके गाइज, चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी गाइज, देखिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा आप कितने तरीके से उस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं कि एसेसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। यदि एसेसिनेशन वर्ड में से जो लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो पूछ रहा है कि यदि सभी एस एक साथ आते हो, सभी एस एक साथ आते हो। सबसे पहला पॉइंट, आपसे मैंने कहा था कि रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। पहला पॉइंट ये है, तो सबसे पहले टोटल देखिए आपके पास कितनी चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए ए कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो ए जो अपीयर्स हुआ है गाइज वो अपीयर्स हो रहा है 1, 2, 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए एस कितने टाइम अपीयर्स हो रहा है, एस हो रहा है 2, 4 टाइम्स, ठीक है। बाकी सब रेस्ट हो सकते हैं। इसके बाद आई कितने टाइम्स है, आई होप अपीयर्स हुआ है गाइज, आई हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स अपीयर्स हो गया गाइज, 2 टाइम्स। एन कितने टाइम अपीयर्स है, एन अपीयर्स है गाइज 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स अपीयर्स हो गया। ओके, ए हो चुका आपके पास, टी 1 टाइम, ओ भी 1 टाइम, ठीक है गाइज। टी और 1 रेस्ट में हो गया आपके पास, टी और ओ ये कैसे आ गए गाइस, रेस्ट में आ गए, ठीक है, नहीं 1 टाइम आ गए। अब गाइस मुझे क्या कह रहा है कि जब सभी एस एक साथ आते हो, अब मेरी बात को समझो, जब एस में एक साथ अकर करूंगा, ठीक है ना, ऑल एस अकर टुगेदर, ठीक है गाइस, ऑल एस अकर टुगेदर, जब सभी एस एक साथ आ रहे हो, तो सभी एस को एक साथ आने का तरीका क्या है भाई, सभी एस एक साथ आएंगे तो इट मीन्स सभी एस, एस कितने थे, 4 टाइम्स थे, ठीक है ना। तो इस 4 टाइम्स को हम कितने टाइम काउंट करने वाले, 1 टाइम,
समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि सभी एस को मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो इसे कितने टाइम काउंट करूँगा, वन टाइम काउंट करूँगा। रिमेनिंग कितने लेटर रह गए अब आपके पास, रिमेनिंग लेटर देखिए कितने रह गए, रिमेनिंग लेटर आपके पास रह गए गाइस। देखिए टोटल लेटर कितने आपके पास, ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल लेटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल लेटर है 13। उन 13 में 4 लेटर थे एस के, जिसको आप काउंट करने वाले हैं वन टाइम। तो रिमेनिंग लेटर कितने रह गए, रिमेनिंग लेटर रह गए गाइस आपके पास 9 लेटर रह गए, ठीक है ना। 9 लेटर ये है आपके पास और 1 लेटर ये रहा जिसको हमने वन टाइम काउंट करना है, क्योंकि 4S एक साथ है। तो 4 टाइम्स जो लेटर एक साथ आ रहे हैं उसको हमें कितने बार काउंट करना था, वन टाइम काउंट करना था। इट मीन्स वो वन लेटर काउंट होगा, कैसे लेटर काउंट होगा, वन लेटर। तो एक लेटर ये रहा और 9 लेटर ये रहे, तो टोटल कितने लेटर हो गए तुम्हारे पास, अब टोटल लेटर्स हो गए गाइज अब आपके पास टोटल 10 लेटर्स हो गए। अब इन 10 लेटर्स का क्या करना, मुझे अरेंजमेंट करना है। तो बताओ कितने वेज में कर सकते हो, टोटल वेज बता दो अब कितने हो गए, टोटल वेज। तो टोटल वेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए टोटल तो हो गए फैक्टोरियल 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। तो कितने कितने टाइम्स है भाई, ए था 3 टाइम अपीयर्स, आई था 2 टाइम अपीयर्स, एन था 2 टाइम अपीयर्स, बाकी सब 1 टाइम अपीयर्स थे। और साथ में जब एस को आपने, जो एस सभी एस एक साथ आ रहे थे, उस एस में से आपने देखा कि 4 टाइम्स जो एस आ रहा था उसको आपने 1 टाइम लेटर काउंट किया है, तो क्या एस का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। हाँ जी कर दीजिए, एस का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4, क्योंकि एस के 4 लेटर, फैक्टोरियल 4, रिपीटेशन अलाउड होगा तो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कितना आ गया, 1 गाइज। ओके तो इसका फाइनल आंसर आता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। दैट सॉल्व गाइज, इसे कैलकुलेट कर लेना, दैट सॉल्व। ओके गाइज, आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैं आपको यहाँ बात समझाना चाहता हूँ। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, बस आपको ये ध्यान रखना, यदि एक साथ अकर हो रहा है टुगेदर, क्योंकि एक ही लेटर को उसने कहा जो 4 बार है, जितने भी बार लेटर है वो रिपीट हो रहा है, वो एक साथ अकर हो रहा है। तो एक साथ अकर हो रहा है क्योंकि सेम ही लेटर है, जब भी सेम लेटर को एक साथ अकर करने को कह देता है, तो गाइज उसकी हमेशा ध्यान रखना जो वेज होते हैं वो वन ही होते हैं, वन से ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते उसको, क्योंकि सभी एस 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 एस, चाहे अब एस को कहीं भी आपस में अरेंज कर लो तो वो लिखा तो जाएगा एस ही, तो इसलिए उसके वेज कितने माने जाते हैं गाइज, वन वेज ही माने जाएंगे। ओके गाइज, तो गाइज इस एसोसिएशन में उसने ये कहा था, क्योंकि एसोसिएशन में लेटरों का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये रिपीटेशन वाला मेथड हो गया गाइज। तो गाइज आई होप अब आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, ठीक है गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, गाइज देखिए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एग्जॉशन पार्टी, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन या नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो वे तीनों के तीनों उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या वे नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है। तो पूछ रहे कि इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन, तो आपको बताने कि आप कितने तरीके से उस एक्सकर्जन पार्टी को चूज कर सकते हो गाइज, ठीक है ना। तो गाइज एक सिंपल सी पॉइंट है, मुझे एक पॉइंट बताइए, आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको केवल 10 स्टूडेंट्स चूज करने थे। चूजन स्टूडेंट कितने आपके पास, चूजन जो स्टूडेंट से वो लेने थे 10, 10 स्टूडेंट को चूज करना है 25 में से, ठीक है। बट उसमें डिसाइड किया गया कि भाई 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया था, या तो वो उन सबके साथ ज्वाइन हो जाएंगे या वे उनके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि या तो वे उन सबके साथ ज्वाइन हो जाएंगे या उनके साथ वे ज्वाइन नहीं होने के। भाई गाइज ज्वाइन हो गए तो क्या केस होगा, ज्वाइन नहीं होंगे तो क्या केस होगा, यदि ज्वाइन हो गए तो पार्टी को सेलिब्रेट करें, ज्वाइन नहीं होंगे तो पार्टी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो यानी कोई एक केस पॉसिबल है, या तो हम ज्वाइन कराएंगे या ज्वाइन नहीं कराएंगे। यदि ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन न होने वाली कंडीशन आ जाएगी, यदि ज्वाइन नहीं हुए तो इसका मतलब ज्वाइन होने वाली कंडीशन आ रही होगी। ओके गाइज, तो कोई एक केस पॉसिबल है, पर कंडीशन दो बन रही है, या तो ज्वाइन होंगे या ज्वाइन नहीं होंगे, यानी वर्क आप देख रहे हैं ब्रेक हो रहा है, या तो ज्वाइन करेगा या ज्वाइन नहीं करेगा। तो यानी दोनों केस पॉसिबल तो नहीं है इसमें, अब जा यदि ज्वाइन होगा तो ज्वाइन नहीं भी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, या तो ज्वाइन कर सकता है अपने आप को या ज्वाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ वर्क क्या हो गया, ब्रेक, पर कंडीशन दो बन के आ रही है।
ओके गाइस, यदि मैं इसे ज्वाइन कराता हूँ गाइस, क्या कराता हूँ गाइस, ज्वाइन, उन तीन स्टूडेंटों को मैंने ज्वाइन करा दिया। यदि मैं इसे ज्वाइन करा दूंगा तो गाइस एक बात बताओ, 25 स्टूडेंट्स में से तीन तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पार्टी को क्या करने वाले, ज्वाइन तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स बच गए इसमें से, 22। अब 22 तो स्टूडेंट्स टोटल में से बचे हैं, क्योंकि तीन स्टूडेंट्स तो ऐसे थे या तो वे ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं पहले ज्वाइन वाला केस करूँ, यानी जो 100% करेंगे ही करेंगे ज्वाइन, तो 25 में से भी तो वही कम होंगे। यदि वे 25 में से कम होंगे तो जिनमें से हम 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करें तो उसमें से भी कम हो जाएंगे। तो बताओ कितने रहेंगे अब आपके पास, 22C7। आई होप गाइस मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये ज्वाइन वाला पार्ट आया, कौन सा पार्ट आया, ज्वाइन वाला, क्योंकि 22C7, क्योंकि भाई जब मैं तीन स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करने ही करने हैं, यानी उनकी तो जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है, जब सीट फिक्स हो गई तो यानी डेफिनेटली भी क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो यानी 10 में से भी वो सीट क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएंगी, क्योंकि वो स्पेस को वहाँ पे फिल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यदि मैं उनको कह दूंगा ये ज्वाइन नहीं करते, नॉट ज्वाइन, ठीक है ना, यदि वे ज्वाइन नहीं करते, भाई सीधी सिंपल सी बात है, यदि वे ज्वाइन नहीं करे, पर तीन स्टूडेंट टोटल में से 25 स्टूडेंट्स थे आपके पास, टोटल 25 में तीन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करने, ये 100% श्योर है कि वे नहीं करेंगे, तो टोटल कितने स्टूडेंट रह गए, 22 रह गए। अब 22 में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने रह गए, केवल ओनली 10, क्योंकि यहाँ तो फिक्स करेंगे नहीं वे अपने प्लेस को, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट बहुत अलग हो गए जो मुझे सेलेक्ट करने ही करने थे, यानी अब 22 में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने। अब गाइज एक बात बताओ, या तो वे तीनों स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे या वे स्टूडेंट तीनों ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो कोई एक केस पॉसिबल, तो टोटल वेज कितने हो गए आपके पास, अब ये बताइए इसमें जो टोटल वेज आएंगे वो कितने आएंगे, 22C7 प्लस 22C10। आई होप आप समझ में आ गया होगा मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि या तो ये केस पॉसिबल है या ये केस पॉसिबल है, कोई एक केस पॉसिबल है इसलिए हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। यदि ये केस हो जाता तो ये केस नहीं होता, ये केस पहुंच जाता तो ये केस पॉसिबल नहीं था, तो कोई एक केस ही क्या है गाइस, पॉसिबल है। आई होप गाइस आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की नीड क्या थी, बेसिक डिमांड क्या थी गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन में केवल इसने यही पूछा था, ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, वर्ड है इक्वेशन गाइस, यानी टोटल लेटर्स कितने हो गए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स हो गए गाइस 8 लेटर्स हो गए इस वर्ड में, इक्वेशन वर्ड में 8 लेटर्स होंगे एट ए टाइम, तो शो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, मुझे इनमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को अकर करना है टुगेदर, एक साथ अकर करना है, ठीक है ना। अब इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन में रिपीटेशन लेटर्स के नहीं आ रहे, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन डील होगा गाइस, तो टोटल लेटर्स हो गए 8। अब 8 लेटर्स में से वॉवल्स कितने हैं गाइस आपके पास, वॉवल्स है 5, ई यू ए आई ओ, ठीक है, तो यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स इसके अंदर आ चुके इक्वेशन के अंदर, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने हो गए आपके पास, जो कॉन्सोनेंट आए गाइस 5 वॉवल्स, तो कॉन्सोनेंट कितने आएंगे 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स बचे, वे 3 कौन कौन से हैं, क्यू है आपके पास, एक है गाइस इसमें से टी और एक है एन, ये 3 कॉन्सोनेंट बचे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये, कॉन्सोनेंट कितने हैं 3, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब इनको अरेंज करूँगा, क्योंकि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट आपस में एक साथ अरेंज होंगे, ठीक है ना भाई। टोटल लेटर्स देखो, जो यदि मैं टोटल वेज समझूँ इसका, जो टोटल वेज समझता हूँ, तो बहुत एक लाइन में समझा देता हूँ सारी कहानी क्या कहना चाहे। टोटल लेटर्स अरेंज होने, टोटल लेटर्स अरेंज होने का पैटर्न क्या होगा गाइस, ये बताइए मुझे आप। टोटल जो लेटर अरेंज किए जाएंगे गाइस, वो ये अरेंज किए जाएंगे गाइस कि आप इस, तो गाइस इक्वेशन में 8 लेटर्स थे, 8 लेटर्स में आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जब 8 लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, उसने बताया वॉवल्स 5 है, कॉन्सोनेंट 3 है, तो मुझे बताओ पहले 5 वॉवल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से कह सकते हैं, फैक्टोरियल 5, कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कितने तरीके से कह सकते हैं, फैक्टोरियल 3। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट हैं
इनको आप जब वन लेटर काउंट कर दो, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकते हैं कि पहले वॉवल्स आ जाएं फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट आ जाए फिर वॉवल्स आ जाएं। तो ये बताओ कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज ये दो तरीके से अरेंज हो सकता है, क्योंकि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, या तो पहले कॉन्सोनेंट आएगा फिर वॉवल्स आएगा, या पहले वॉवल्स आएगा फिर कॉन्सोनेंट। इन दोनों कितने तरीके से अरेंज किया जा सकते हैं? फैक्टोरियल दो तरीके से अरेंज किया जा सकते हैं। तो ये इसका टोटल वेज हो गया गाइज। आई होप गाइज अब आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इक्वेशन में टोटल लेटर्स 8 थे, जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को एक साथ मुझे अकर करना था, जिसमें वॉवल्स हमने देखे 5 हैं, कॉन्सोनेंट देखे हमने 3 है। इन दोनों को एक साथ अगर करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले वॉवल्स को अरेंजमेंट किया, फिर कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट किया, फिर इन पूरे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, क्योंकि एक साथ अकर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि पहले वॉवल्स आ सकता है फिर कॉन्सोनेंट आ सकता है, या पहले कॉन्सोनेंट आ सकता है फिर वॉवल्स आ सकता है। तो कितने तरीके से वेज हो सकते हैं गाइस? ये टू टाइप्स है, यानी फैक्टोरियल टू वेज हो गया। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और सीधा आंसर। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो गाइज आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके गाइज, यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज डाउट पूछ सकते हैं, आपने इसे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने डाउट को डिस्कस कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।